नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत में 6 परमाणु संयंत्र लगाने में मदद करेगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग की एक दशक पुरानी भागीदारी को नया आयाम देते हुए भारत में 6 परमाणु संयंत्रों के निर्माण की शुरुआत किए जाने के लिए दोनों देशों ने सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच एक बैठक में अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए इंजीनियरिंग और साइट डिजाइन का काम शुरू करने पर सहमत हुए। विदेश सचिव एस जयशंकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि परमाणु संयंत्रों के निर्माण का काम तुरंत शुरू होगा। दोनों देश इसे जून 2017 तक पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। ये अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी और इससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। पाक से बोले ओबामा, पठानकोट हमले के दोषियों को सजा दो। पठानकोट आतंकी हमले में 26/11 जैसा मानते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि वह हमले को अंजाम देने वालों को सजा दे। अमेरिका में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दाऊद कंपनी जैसे पाकिस्तान स्थित संगठनों से आतंकी खतरे के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का उन्होंने संकल्प जताया। व्हाइट हाउस में ओबामा मोदी की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने 2008 के मुंबई आतंकी हमले और 2016 के पठानकोट आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का पाकिस्तान से आह्वान किया। वक्तव्य के मुताबिक मोदी और ओबामा ने अपनी बातचीत में आतंकवाद से मानवता को सतत खतरे की बात मानी और पेरिस से लेकर पठानकोट तक, ब्रसेल्स से लेकर काबुल तक की हालिया आतंकी घटनाओं की निंदा की। अमेरिका ने भारत को एनएसजी और एमटीसीआर में दिया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक में भारत एवं अमेरिका ने आर्थिक संबंधों एवं असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और पेरिस जलवायु समझौते को जल्द से जल्द क्रियान्वित करके जलवायु न्याय के लिए काम करने का संकल्प लिया। मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने अमेरिका के भारत को एमटीसीआर तथा एनएसजी में सदस्यता के लिए मदद एवं समर्थन के लिए अपने मित्र ओबामा के प्रति आभार व्यक्त किया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबामा ने अपनी भारत की यात्रा को याद किया और कहा कि मोदी के अमेरिका आने पर न केवल प्रवासी भारतीय समुदाय बल्कि अमेरिकी समुदाय भी बहुत उत्साहित होता है। यह हमारे संबंधों एवं भारत अमेरिका के रिश्तों की गहराई का चिन्ह है।